सृष्टि पालन में ब्रह्मा की विविध शक्तियों का कैसे प्रयोग, यह बारे में आलेख है, काफ़ी लंबा आलेख है और काफ़ी प्रमाण उपन्यास भी यह में है। एक प्रॉब्लम है, हमें सब टाइटलिंग नहीं करी है, तो थोड़ो मैं ब्रीफली सब टाइटलिंग बता दूँ या कि प्रारूप क्या है और फिर वाके विषय पे जाएं। पहले इन्हें उपक्रम लियो है, पहले पेज पे तो हमें शक्ति को अर्थ क्या हो है वो उन्होंने थोड़ा समझाया है और निष्कर्ष ये कह रहे हैं कि शक्ति जो है वाको ग्रामेटिकल तो बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, सामर्थ्य, वीर्य, बल वगैरह, पर जब भी अपन विचार करें तो यथागम, यथातंत्र, यथा संदर्भ वाको अर्थ लेना चाहिए। जा शास्त्र में अपन विचार करें वाक्य तहत क्या अर्थ वाको निकल रहे वो देखना चाहिए। मंगलाचरण अच्छा किया है। हाँ, मंगलाचरण अच्छा किया। फिर दूसरे पेज पे ये डॉटेड लाइन है वासु, शक्ति मीमांसा की क्या आवश्यकता है वो उन्होंने थोड़ा समझाने को प्रयास किया कि ये शक्ति को विचार अपने को क्यों करना चाहिए। सो वो दो एक पेज तक समझाया और तीसरे पेज में वाकई निष्कर्ष से वो कह रहे हैं कि ये जो शक्ति की मीमांसा करनी है वो ऐसे नहीं करनी है कि शक्ति क्या है ये सोच के, पर वो भगवत शक्ति तो है ना वाकई मीमांसा करनी है। अब वहाँ में मीमांसा करी तो अपन आधो समझ पाए, पूरा समझ पाए वो वाप को प्राधान्य नहीं है, पर जितनों भी समझ पाए वाकु अपन भगवत शक्ति तो समझेंगे तो वासु अपनो भगवान महात्म्य ज्ञान जो है वो दृढ़ होएगा और ये वाकी उपादेयता है। या लिए आवश्यक है कि अपन शक्ति की मीमांसा करें, माने नॉट एज अ शक्ति बट एज अ भगवत शक्ति, भगवान की शक्तियाँ हैं वाको विचार करें यूं सोच के वाकी मीमांसा करें, तो जितनों भी अपन मीमांसा कर पाए, जितनों भी समझ आयो वह उपादेय ही रहेगो। फिर चौथे पेज सु ये डॉटेड लाइन है वासु, वेदों में परोक्षतया शक्ति का निरूपण वो कैसे है वो उन्होंने बताया है। तो उपनिषद है, हमें ब्राह्मण है वगैरह हर जगह, तो शक्ति को जो निरूपण है वो अलग अलग ग्रंथन में अलग अलग तरीके से हुआ है। कहाँ इंद्र की शक्ति बताई है, कहीं यज्ञ की भी शक्ति बताई है, पर ये सब जो शक्ति को निरूपण है वो पेज 7 पे जाके वाके निष्कर्ष है। महाप्रभु जी को वचन करें, उपनिषद सूचय तत्कीर्तनम सर्व सामर्थ्यम भगवत एव इति ज्ञापनार्थम, ये जो भी शक्ति को निरूपण है वेद में अलग अलग जगह में अलग अलग देवतान की शक्ति के रूप में या यज्ञ की शक्ति के रूप में, ये सब में मूल बात समझनी यही है कि ये भगवान को सामर्थ्य है, भगवान की शक्ति को निरूपण है, पर परोक्षतया निरूपण है। भगवान की शक्ति ऐसे निरूपण नहीं भयो, पर तत्त देवन की या तत्त यज्ञ की शक्ति तया निरूपण भयो है, पर अंत में वो भगवान की शक्ति को ही निरूपण है। या के बाद वेद के बाद उन्होंने भागवत और गीता वगैरह में कैसे शक्ति भगवत शक्ति को निरूपण है वो थोड़ा समझाया है। पेज 13 पे जाके अब खास विषय शुरू हो रहा है, हमें शक्तियों के स्वरूप, भेद, लक्षण एवं कार्य क्षेत्र का विवेचन वो वहाँ से शुरू किया है कि एक बार शक्ति भगवान की है और वहाँ कोई निरूपण है वेद में, उपनिषद में, भागवत में, गीता में, वो अपन समझ गए परोक्षतया अपरोक्षतया, तो अब जो निरूपण भयो है वो क्या है वो उन्होंने समझाने को प्रयास किया है। या में मुख्यतया दो बताई है, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। तो जो क्रिया शक्ति है वाको निरूपण वेद में है यज्ञ के रूप में ज़्यादा करके, और ज्ञान शक्ति जो है वाको वेदांत में माने उपनिषद में है वो उन्होंने बताया है।
और वाके बाद द्वादश जो शक्तियां हैं वाको निरूपण पेज नंबर 1400 कर रहे हैं, तो हमें जो अक्रूर जी को प्रभु ने दर्शन दियो हमें द्वादश शक्ति संयुक्त प्रभु के स्वरूप को अनुभव भयो अक्रूर जी को। श्रिया पुष्ट्या गिरा कांत्या कीर्त्या दुष्टया विद्या या विद्या शक्त्या माया च निश्चितम। तो ये जो द्वादश शक्ति है वाको निरूपण गयो, और बाकी जो सुबोधनी है वहाँ में थोड़ो थोड़ो महाप्रभु जी ने हर एक शक्ति को जो समझाया है वो उन्होंने निरूपण किया है। और ये पेज 15 पे कह रहे हैं कि ये जो सभी शक्तियाँ हैं वाक्य पुनः त्रिधा वेद है, आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक। और ये कहने के बाद फिर एक एक शक्ति को उन्हें समझाया है। तो जैसे पेज 15 पे उन्हें अविद्या शक्ति समझाई है, फिर पेज 16 पे माया शक्ति लिए, तो अविद्या शक्ति के त्रिविध रूप है वो बताएं, फिर माया शक्ति के भी त्रिविध रूप है वो बताएं। फिर पेज नंबर 20 वहाँ पहली लाइन सुई, ये दो शक्ति के छोड़ के जो बाकी की शक्तियाँ हैं माने इच्छा शक्ति, पुष्टि शक्ति, आविर्भाव शक्ति, तिरोभाव, ये सब शक्ति जो हैं वाको निरूपण है। वो आलेख पूर्व है वहाँ तक ये बाकी की सब शक्ति को निरूपण है। और निष्कर्ष दया वो 25वें पेज पे कर रहे हैं। अतः निष्कर्षत्व हम कह सकते हैं कि सभी द्वादश शक्तियाँ उपर्युक्त त्रिविध वेदवती होते हुए असंख्य शक्तियों में परिणमित हो जाती है। माने इनको द्वादश ही ऐसे काउंट नहीं करना चाहिए, अनंत भी दो हो सके, क्योंकि एक एक शक्ति के भी त्रिविध भेद है। और ये 12 लिस्ट भी कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, वहाँ में और भी आ सके। और ये शक्तियाँ नित्य है ये बात है। तो ये संक्षेप में प्रारूप है। अब वापस मैं थोड़ा थोड़ा बताता जाऊँगा, और जहाँ कुछ मुख अनुक्त लगे वो भी मैं बताता जाऊँगा। कौन सा पेज नंबर? ये पूर्व मैंने प्रारूप बताया एक बार, वो सब टाइटलिंग नहीं किया या सुखा क्या वो थोड़ा समझना। अब वापस एक एक कर। अब उपक्रम में इन्हें ये लिया है कि शक्ति को अर्थ क्या हो है, और वहाँ में कुछ उदाहरण दिए हैं कि जैसे एक श्रुति है ऋग्वेद की, वो वर्णन है वहाँ भी श्री गोसाई जी ने वहाँ को व्याख्यान किया है, तो वहाँ में वो वैकुंठ सु गोलोक और वहाँ में माने व्रज की जो लीला है वहाँ को अर्थ वहाँ सु अध्यारोप कर रहे हैं। तो ऐसे जो शास्त्र हो वहाँ को यथा संदर्भ अर्थ करना चाहिए। तो ऐसे शक्ति शब्द भी है, तो यहाँ जो कॉन्टेक्स्ट है वही कॉन्टेक्स्ट अपने को देखना चाहिए। ग्रामेटिकली वाक्य और भी मतलब हो सके पर सब मतलब नहीं ग्रहण करने चाहिए। फिर ये शक्ति मीमांसा की आवश्यकता ये जो दो पेज में उन्होंने बताया है, तो हमें एक ये बताया है कि जैसे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो हमें भी ये सवाल हुए कि ब्रह्म की जिज्ञासा क्यों करनी चाहिए। जिज्ञासा करने से तो जैसे अपने संप्रदाय में भी होगा कि ज़्यादा कुछ चर्चा वगैरह करे तो वासु फायदा क्या हो, वासु उल्टो मोह बढ़ जाए और संशय पैदा हो जाए, यासु चर्चा ही मत करो। तो ऐसे ब्रह्म जिज्ञासा में भी कोई कोई पूर्व पक्ष ऐसे आवे कि ब्रह्म तो जिज्ञासा है ही नहीं, तो बाकी जिज्ञासा करके फायदा क्या होगा, वासु संशय वगैरह ही बढ़ेंगे। तो ऐसे शक्ति की भी मीमांसा क्यों करनी चाहिए, बाकी आवश्यकता क्या है। तो वो जो ब्रह्म जिज्ञासा है वहाँ महाप्रभु जी ने ऐसे खुलासा किया है कि ब्रह्म से जिज्ञासा ये न कर्मणि षष्ठी किंतु शेषे षष्ठी। तो हमें सभी विभक्तियाँ माने ब्रह्म सम शेषे षष्ठी माने संबंधी के अर्थ में, तो ब्रह्म संबंधी जो भी पदार्थ है वाको यहाँ जिज्ञासा को विषय बनो है। खाली ब्रह्म के बारे में ऐसे नहीं, ब्रह्म से जुड़ी जो भी बात है वाको विचार होएगो। तो ऐसे शक्ति भी जो है अपन अपने को यहाँ ये समझना है कि वो भगवत शक्ति तो है ना, बाकी मीमांसा करनी है।
शक्ति अपने आप में क्या है, माँ जैसे शंकर मत में माया को विचार है तो स्वतंत्र विचार है, वो भगवत शक्ति तो है, उन्हें विचार नहीं कियो, माया कोई स्वरूप क्या है, वाको प्रयोजन वाके लक्षण क्या है वो विचार कियो। तो वातरी के सुविचार करनो तो वो अपने लिए अनावश्यक हो सके, पर अगर अपन वाकू भगवत शक्ति तो है ना विचार करनो चाह रहे हैं तो वो उपादेय अपने लिए आवश्यक है, क्योंकि वो अगर अपन विचार करें तो थोड़ो बहुत भी जो समझ पाए तो वासु भगवान महात्म्य ज्ञान अपनो बढ़ेगा, ये या लिए शक्ति की मीमांसा आवश्यक है। ये चार सु वेदों में परोक्षतया शक्ति का निरूपण ये उन्होंने बताया है। तो कई ऐसे वेद के उपनिषद के वचन है, जैसे इंद्रो माया भी पुरु रूप यते, तो इंद्र की कुछ कुछ शक्तियाँ बताई है कि इंद्र जो है वो बारिश बरसावे और सब पूरी सृष्टि को नियमन करे वगैरह, ऐसे दूसरे दूसरे देवन की भी शक्ति को वर्णन आवे, वायु को क्या सामर्थ्य है, जल अग्नि को क्या सामर्थ्य है, ऐसे सब। तो ये सब जो है वो कोई ना कोई प्रकार से जगत पालनकर्त्री शक्तियाँ है, पर एट द सेम टाइम वो जो निरूपण है वो ऐसा है कि वो परोक्षतया भगवान को निरूपण है। अब इन्हें पीछे ये शंका उठाई है कि भाई परोक्षतया निरूपण क्यों करना, अपरोक्षतया निरूपण करते वेद में तो क्या हो, तो डायरेक्टली सबको समझ में आ जाए कि ये भगवान की शक्ति और वाको वर्णन भगवत शक्ति तया कर, ऐसे क्यों कियो कि इंद्र की शक्ति तया वर्णन कियो और भगवत शक्ति तया नहीं कियो। तो उनने खुलासा ये दियो है कि वो भगवान की स्वयं ऐसी इच्छा है और भगवान को स्वयं को परोक्षम च मम प्रिय, परोक्ष बात उनको ज़्यादा प्रिय है। तो जैसे उन्होंने कहो है कि रुद्र को भगवान ने आज्ञा करी कि तो हम छे रुद्र महाभाव मोह शास्त्राणी कार है, ऐसे मोह शास्त्र को प्रवर्तन करो जासु लोग मोहित हो जाए और मेरे सु विमुख होके तुम्हारे अभिमुख हो जाए। तो उनने तो उनको जो आज्ञा भाई वा को पालन करके उन्हें मोह शास्त्र रचना की। ऐसे जो वेद है वो भी अपौरुषेय है, वो ऋषि ने अपने मन से नहीं लिखे और उनको भी कुछ भगवत आज्ञा भई और समाधि में उनको प्राप्त भये वेद, तो उनको एज इट इज़ उन्होंने अपने सामने प्रकट कर दिए वेद, वहाँ में उन्हीं कोई पौरुषीयता नहीं है। वहाँ में भगवत इच्छा ही ऐसी होती कि परोक्षतया निरूपण हुए, तो या लिए वेद में परोक्षतया निरूपण आयो है, पर वो भगवत इच्छा माने है ऐसी और प्रियता और जो प्रयोजन है वाको वेद को निरूपण वो भगवत इच्छा के अनुरूप प्रागट्य है। ऐसो नहीं है कि जीव को क्या सरल पड़े वातरी सु निरूपण करनो, भगवान कौन से तरह सु निरूपण करवानो चाह रहे तत्त ऋषि सु वातरे सु वेद में निरूपित भयो है या सु परोक्ष निरूपण है। पर या में वेद के अलावा जैसे गीता भागवत है वहाँ में तो डायरेक्ट भी वर्णन आ रहे हैं, और ये वेद को जैसे अपने यहाँ कहे कि वेदा श्री कृष्ण वाक्यानी व्यास सूत्राणी छे वही वहाँ में उत्तरम पूर्व संदेह वारकम परिकीर्तितम, तो अगर अपने को या में डाउट हो कि वेद में तो तत्त्व देवता या यज्ञ वगैरह की शक्ति बताई है तो वाको भगवान में तात्पर्य कैसे लेनो, तो उन्होंने गीता भागवत के वचन भी बताए हैं कि नारायण परा वेदा नारायण परा, तो सब जो देवता वगैरह है और वेद में जो भी निरूपण है कर्म को यज्ञ को वगैरह वो सबको यही है निष्कर्ष नारायण परता ही उनकी दिखाई है तत्त्व साधन। तो जो शक्तियाँ भी दिखाई जा रही है इंद्र की वायु की अग्नि की वगैरह यज्ञ की, तो वह सब में निष्कर्ष यही आ रहा है कि भगवत शक्ति जो है वो कैसे जगत पालन कर रही है, वो भगवत शक्ति डायरेक्ट एक्ट नहीं कर रही है, वाया इंद्र कुछ सामर्थ्य सृष्टि में दिख रहे हो, वायु के द्वारा दिख रहे हो, अग्नि के द्वारा, बट अल्टीमेटली सामर्थ्य भगवान को है, वह तरीके से आ रहे है। अब मेन जो विषय है 13वें पेज शक्तियों के स्वरूप भेद लक्षण एवं कार्य क्षेत्र का विवेचन, वहाँ में द्वादश शक्ति
हमें पहले इन्हें अविद्या ली है, तो अविद्या शक्ति के तीन रूप बताएं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि रवि। ये वैसे काफ़ी सरलता से उन्होंने निरूपण किया है, तो मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा, पर वहाँ में मुझे को कुछ कहना है वो मैं बताऊंगा। तो एक जो अपना मेन जो विषय है, वहाँ में अपन जगत पालन को सोच रहे, तो हमें द्वादश शक्ति को रोल क्या है, तो इन्होंने माया शक्ति और अविद्या शक्ति वहाँ को तो काफ़ी एलेबरेट विस्तृत वर्णन किए, वहाँ के त्रिविध भेद बताए हैं और सब वहाँ के प्रमाणोपन्यास के वचन बताए हैं, कहाँ सु कौन सी बात आ रही है। तो ये मुझे लगे कि जैसे आसुरी जीव को पालन है, तो हमें तो ये दो प्रोमिनेंट शक्ति है, माया शक्ति और अविद्या शक्ति, वाक्य द्वारा पालन हो गया आसुरी जीव को, तो ये उचित है। पर दैवी जीव को पालन को जहाँ तक सवाल है, तो तीन शक्ति मुख्य है, एक वाणी की शक्ति, एक पुष्टि शक्ति और एक विद्या शक्ति। तो ये तीन को इन ज़्यादा विस्तृत या में विवेचन अपेक्षित हो, तो जो इन्होंने नहीं किया है। हमें वाणी शक्ति को जैसे काफ़ी पेपर में आए वो रूप प्रपंचकरण आसक्त स्वांश वारण नाम सृष्टि की रचना है, तो वाणी की जो सृष्टि है वो वाको काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल है दैवी जीवन के लिए, कि वो वाणी को समझेगा, अनुसरण करेगा, श्रवण मनन निधि ध्यासन वगैरह, तो वाके कारण वो रूप सृष्टि है, वासु विरत होके भगवत अभिमुख हो सके। तो ये एक जो दैवी सृष्टि को पालन है, वहाँ में वाणी माने जो सरस्वती रूप जो शक्ति है वाको रोल है, वो यहाँ अपेक्षित है। तो दूसरी विद्या शक्ति, तो विद्या शक्ति को भी यहाँ में ज़्यादा उन्होंने विवेचन नहीं किया, वो भी अपेक्षित है। तो वैराग्य सांख्य योगस्य तपो भक्तिश्च केशवे पंच पर्व तो विद्या, इन्हें अविद्या के पंच पर्व वगैरह तो काफ़ी डीप में बताया है, पर विद्या के पंच पर्व वगैरह को विवेचन नहीं किया, तो वो भी दैवी सृष्टि के लिए अपेक्षित है, दैवी सृष्टि के पालन के लिए। और तीसरी पुष्टि शक्ति, पुष्टि शक्ति को भी दैवी सृष्टि के पालन में रोल है, और वो भी यहाँ मिसिंग है, वो अपेक्षित है। तो वैसे तो पूर्व सिस्टम स्कंद है, वहाँ में पुष्टि शक्ति को कैसे प्रागट हो रहा है वो अपने को दिखे, पर संक्षेप में सर्वनिर्णय भागवतार प्रकरण में देखे बंधु पुष्टि कालादिबादी का एक टोकन के रूप में महाप्रभु जी ने किया, और प्रमेय रत्नायण में भी जैसे पुष्टि विवेक है, वहाँ में लालू भट्ट जी ने विस्तार से बताया है कि पुष्टि में कालवादी का पुष्टि कौन सी, और स्वरूप स्वभाववादी का कौन सी, कर्मवादी का कौन सी वगैरह विवेचन है, तो वो थोड़े यहाँ मिसिंग है, वो कर लेते तो दैवी सृष्टि को भी न्याय हो जाता, और आसुरी सृष्टि को तो उन्होंने बताया है काफ़ी विस्तार से पालन कैसे हो रहा है, वो जो अपेक्षित है। बाकी फिर एक एक वचन है और बाकी मीमांसा है, तो बाकी डिटेल में मैं ज़्यादा नहीं रहा हूँ। अरे ये निष्कर्ष है वो अपने आप में काफ़ी बराबर है, वो जो कह रहे हैं कि त्रिविध भेदवती अनंतविध शक्तियाँ हैं और वाक्य कारण पालन हो रहे है, और या को विचार अपन करेंगे तो भगवान महात्म्य अपनों सुदृढ़ होएगा, या लिए वाक्य उपाय देता है, ये अपने आप में काफ़ी ओवरऑल आलेख जो है, ये आलेख में एक विशेषता ये है कि हमें भाष्य के काफ़ी कुछ वचन लिए हैं, वो अन्य सब आलेख में इतने नहीं लिए हैं, इन्हें काफ़ी कुछ भाष्य में से लिए। और भाष्य में एक थोड़ी प्रॉब्लम ये हुआ कि वहाँ में जैसे तत्वार्दीप निबंध जैसो नहीं है कि महाप्रभु जी के जो भी वचन है वो स्वमत ही आ रहे हैं, वहाँ में कोई कोई बातें ऐसी भी आ रही हैं कि पूर्व पक्षी की बात महाप्रभु जी अपने शब्दन में थोड़े में कहते हुए, या कभी ऐसा भी होवे कि अभ्युपगत सिद्धांत होवे, माने वो महाप्रभु जी को खुद को मत नहीं होवे, पर वो जो सामने वादी है और महाप्रभु जी दोनों की बात कुछ
तीस चालीस तक का एग्रीमेंट हो रहे हो, तो महाप्रभु जी उनकी बात कह रहे कि इतने बात में अपना एग्रीमेंट है, तो वाकू अभ्युपगत सिद्धांत कहे, माने स्व सिद्धांत नहीं है, पर थोड़ो वाद जब चल रहे वा उतनो ऐकम अंत्य है, तो कुछ बातें ऐसी आ जाए तो भाष्य में सु कुछ अपन उद्धृत करें तो थोड़ी अपने को सावधानी रखनी चाहिए कि वहाँ में पूर्व पक्षी को मत महाप्रभु जी के शब्दन में आ रहे है या अभ्युपगत सिद्धांत आ रहे है या स्वमत आ रहे है। तो एक थोड़ो इन्होंने ये किया है कि भगवत सर्वाश्रयत्वात एक मिनट पेज तीन पे बड़े अक्षर में सर्वाश्रयत्वात् भगवत संयुक्त समवाये नवा सदात्मन्येव ते धर्मावर्तन्ते। वाको ने ऊपर ही ये क्यों है अनुवाद, शक्तियाँ ब्रह्म का अभिन्न अंग होने से यह शक्तियाँ ब्रह्म में ही संयुक्त समवाय रूप से सदा निवास करती है, अतः ब्रह्म धर्मांतर्गत इनका समावेश अपरिहार्य है। यहाँ में मोको ऐसा लग रहा है कि संयुक्त संवायना जो है वो अभ्युपगत सिद्धांत है, माने सॉर्ट ऑफ कोई न्याय वालों है और वहाँ के साथ महाप्रभु जी बात कर रहे हैं, तो वहाँ में जो शक्ति है वो ब्रह्म धर्म है, वो कौन से तरीके से है वो न्याय वालों ये कर रहे कि संयुक्त संवाय संबंध हुए, और महाप्रभु जी ऐसे कर रहे कि सर्वाश्रयत्वाद है, दोनों में इतनी एग्रीमेंट है कि वो ब्रह्म धर्म है शक्तियाँ। तो ये महाप्रभु जी को मुकुल के स्वमत नहीं है कि संयुक्त समवाय संबंध उनको चॉइस दे तो वो ऑलवेज दूसरी तरह, या जैसे विज्ञान भिक्षु का है सर्वाधारत्वाद, तो वो जो वेदांत की स्टाइल है वह तरीके से महाप्रभु जी लाना चाहेंगे सर्वाश्रयता, न्याय वालों रूट पकड़ के नहीं लाएंगे। ये थोड़ी मामूली बात है, पर ऐसी सावधानी भाष्य में सो अपन कुछ उद्धृत करें तो वह वक़्त अपने को सोच के उद्धृत करने पड़े, अदरवाइज जितने भाषा के वचन लिए वहाँ में कोई आपत्ति नहीं। वो ये आलेख की खास बात है, भाषा को काफ़ी इनने लिए ऐसा। मैं एक अपनी अपराध स्वीकृति या मैं कर लूं और कुंजेश बाबा ने ये आखो आलेख पत्र कम से कम 50-60 पेज को भेजो, भाई ये 50-60 पेज को आलेख तो ऐसो चार दिन में पूरा नहीं होएगा, एक दिन में पूरा नहीं होएगा, तो इतना बड़े आलेख पत्र को करने के तो पुस्तक ही हो गई या कि आलेख पत्र के बजाय। तो मैंने उनसे पूछी क्या करूं ये आलेख पत्र को, तो उनने मुझसे कही कि आपको जैसे संशोधन करना हो वैसे कर लो। तो मेरे चित्त इतना घबरा गयो तो मैंने कंप्यूटर में आपको देखो और डिलीट कमांड से जो जो डिलीट कर सकते तो मैंने कर दिया, और वहाँ में मैंने कितनों उनके आशय के अनुरूप डिलीट किया और कितनी मेरी भ्रांति के अनुरूप डिलीट किया मैं निश्चितया नहीं कह सकूँ। और क्यों बहुत बड़ा पत्र, तो इतने बड़े पत्र को कैसे यहाँ चर्चा के लिए प्रस्तुत करना और कैसे समराइज करना, इतना डिलीट करने के बाद भी इतना बड़ा पत्र है। अब जो असित ने आक्षेप या शंका शंका प्रस्तुत करी है वो कहीं डिलीट में कुछ है कि नहीं है, वो कुंजेश बाव को अपराध है कि मेरे अपराध है, या वक़्त अब मुकुब याद नहीं, क्योंकि इतना बड़ा पत्र देखते ही मेरी विस्मापनम स्वस्य से सौभ कर दे हो गए, अक्ल काम करती बंद हो गई। तो मैंने एक शॉर्ट फॉर्मूला अपना के जो डिलीट करे जा सकते हो, अंतरंग कार्य करे तव्य सति बहिरंग कार्य मत असिद्धम स्यात्, जितना रख सकते हो उतना रखो, जो निकाल सकते हो सब निकाल दो, उर्गीता की तरह। उर्गीता को प्रिंसिपल यही स्कॉलर वेस्टर्न स्कॉलर अपना है कि गीता में से जितने श्लोक निकाल सकते हैं उतने निकाल दो, जो नहीं निकाल सकते हैं वो सच्ची गीता। वो महाभारत में आखिरी गीता प्रक्षिप्त 700 श्लोक की, वह 700 श्लोक की गीता में 600 श्लोक प्रक्षिप्त, 100 श्लोक सोचे हैं कि निकाले नहीं जा सके क्योंकि लड़ाई हो रही है तो लड़ाई की बात होनी चाहिए गीता में, बाकी सब प्रक्षिप्त। तो मैं भी घबरा गया, मैंने कि याकू उर कुंजेश बाबा बनाने के लिए सीधो सा जो निकाल सकते हो सब निकालो,
करके निकाल दिया, तो भाई कुंजेश बाबा के तरफ से मेरे को ये अपराध स्वीकृति करनी चाहिए कि बहुत कुछ मैंने हमें डिलीट किया है। अब वो मैंने, क्योंकि इतना घबरा गया तो मैं, मुझको खुद को भी निश्चित नहीं पता है कि क्या मैंने डिलीट किया और क्या रखे, क्योंकि इतना बड़ा पत्र, आलेख पत्र प्रस्तुत कैसे करना। तो सहज संभव हो सके कि असित को जो आपत्ति है वो शायद मैंने द्वादश शक्ति में जो बाकी है ईला वगैरह, तो वाको विस्तृत नहीं, नहीं एक नहीं सच्ची बात बताऊं, बहुत वैदुष्यपूर्ण इनको आलेख पत्र है, या में तो कोई दो मत हो नहीं सके। काफी परिश्रम भी किया है, पर वो परिश्रम को इतना भार है कि वो अपने से उठाया नहीं जा सके, तो करनो क्या, ये मेरे सामने प्रॉब्लम होती। तो मैंने कही उर गीता को सिद्धांत अपना, ओके जो डिलीट कर सकते हो सब कर दो। अब वहां में कुछ उनके आशय के विपरीत भी डिलीट हो गया हो, सहज शक्यता है, तो उनकी वकालत करने या उनको कोई दोष स्वीकारने के पहले मैं अपना ये दोष स्वीकारना परम कर्तव्य समझू, क्योंकि या मैं कुछ उपद्रव भयो है तो उनको नहीं है मेरो है होएगो शायद ऐसे लगे, क्योंकि अब मैं ये भी निश्चितया नहीं कह सकूं, क्योंकि इतना बड़ा आलेख पत्र भिजवा दियो, ऐसा एक बखत मेरे से भी अपराध हो गयो। प्रागजी भाई डोसा ने मुझसे कही कि रस के ऊपर एक लेख लिख के भेजो, मेरे को जोश आ गया, मैंने कहा कि पुस्तक ही लिख दी। उन्होंने कही कि ये तो मेरी पुस्तक की जो पुस्तक है वाकी भूमिका के बजाय मेरी पुस्तक से ज़्यादा बड़ी भूमिका हो गई, तो याकू तब आप ही रखो, मैं नहीं छपाऊंगा। मुकू क्या मुकू, उन्हें ये बताया नहीं कि उनके रस के ऊपर के लेख के पेज कितने हैं। तो मैंने कहा लिखो तो लिख दी। अब उनकी पुस्तक से ज़्यादा पेज हो गए, तो उन्होंने कि भाई ये भूमिका तो मैं छापू नहीं, कि मेरे पेज ये लेख के इतने नहीं है जितनी आपकी भूमिका है। तो उन्होंने कहा आप ही आपको छपाई हो, ऐसा यहाँ हो गया कि अपना जितना बड़ा सेमिनार नहीं इतने बड़े पेज उनने भिजवा दिए। काफ़ी वैदुष्यपूर्ण है, नो डाउट अबाउट इट, बड़ा परिश्रम से लिखे है, नो डाउट अबाउट इट, पर वो विस्तार इतना हुआ तो मुझको लगे कि बहुत कुछ यहाँ बहिरंग हो गो, तो अरे अंतरंगम कार्य करते हुए सती बहिरंगम कार्य असिद्धम से आत्मा ने डिलीट करना शुरू किया। अब कुछ डिलीट हो गया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ वाको, कुंजेश बाबा को अपराध नहीं है, मेरा अपराध है, पर पता नहीं क्या है, क्योंकि ये इतनो विस्तार है कि आपको अंतहीन मुकु लगे हो, युवा अनंत से गुणा अनंता। तो कुछ गलती हो भी सके शायद मेरी भी, या शायद संभव है कि कुंजे कुछ छोटी मोटी है जिज्ञासा को, अगर करेगा कौन खुलासा यहाँ नहीं तो अब ओपन फोरम पे जा कोई इच्छा हो। अच्छा नहीं वो मेरा जो बोला संयुक्त समवाय संबंध, हाँ वाको खुलासा तू पहले तेरो लो रहे दुखला पीछे में मेरे वो अभिप्रायत सिद्धांत है, सो मेरो अभिप्राय तो ऐसे ही रहेगा। नहीं तेरी जो प्रश्न है आपने अपराध किया था आप उनकी तरफ से बोल नहीं जरा प्रश्न आना चाहिए तो, पर अब नहीं आए तो अपन क्या करें, जनरल नेचर को है प्रश्न, आलेख पत्र भेजिए अपन नहीं या को प्रस्तुत करें वो भी अपने तरफ में गलती हो है, और पूरे साकल्य में वो प्रस्तुत भी नहीं किया जा सकता, तो ये अपनी भी डिफिकल्टी है। कुछ या तरीके की या मैं जो ये जो द्वादश शक्ति की विवेचना भई है सुबोधनी में श्री महाप्रभु जी ने उन्हें कोटेशन दी हो कि अविद्या बंधिका निद्रादयोपि तद्भेदा, पेज तो 14, अविद्या वो बंधनकारी है और निद्रा आदि वाके भेद हैं। वाके बाद में जो चकार है मूल में मायया च, वो चकार में फिर सु व्यामोहिका और सर्वभवन सामर्थ्य रूपा माया उनको मान्य है। मेरी जिज्ञासा ये थी कि जो बंधिका माया है वो और व्यामोहिका माया है उनको अपन कैसे समझें, ये जरा मेरी। वैसे सामान्यतया अपन प्रक्रिया में ये समझे हैं कि पहले आच्छादिका है और एक अन्यथा प्रतीति हेतु भूता है, और वैसे ये भी या के साथ जुड़े हुए एक प्रश्न है कि आचार्य चरण वहाँ निबंध में यात्रे सुआज्ञा कर रहे हैं कि विद्या विद्ये हरे शक्ति माये ये विनिर्मित, तो
मायैव विनिर्मिते विद्या विद्ये हरे शक्ति। तो यहाँ वहाँ जाके ऐसे भी आज्ञा कर रहे हैं कि फिर वो माया ही एक शक्ति के रूप में, माया की नहीं, हाँ व्यामोहिका माया की नहीं। तो यह बात को जरा समझना हो तो कि बंधिका और दूसरी व्यामोहिका वो अलग अलग हैं कि आगे जाके जो बता रहे हैं कि आधि भौतिक आध्यात्मिक और आधि देवी की वातर सुवा को कोई प्रकारांतर है, ये जानने की इच्छा थी। हाँ सॉरी, यहां में एक बात खास ध्यान में रखनी चाहिए कि बंध और मुक्ति ये निरपेक्ष प्रत्यय नहीं है, सापेक्ष प्रत्यय है, इतरेतर सापेक्ष प्रत्यय हैं। और या के लिए इनको स्वरूप प्रायः हर दर्शन में कैसे ढंग से आयो है कि जैसे जो यो माने है कि ज्ञानान मुक्ति तो अज्ञान को प्रतिबंध माने है, जो लोग नैष्कर्म्याद मुक्ति तो कर्म को प्रतिबंध माने है, जो लोग कर्मणा मुक्ति के हैं वो अकर्म को प्रतिबंध माने हैं, बंधन माने हैं, जो लोग भक्त्या मुक्ति कह रहे हैं वो अरति को, जैसे भागवत में आप देखोगे ना तो अरति जो है वो बंध है, यत् शृण्वतो पेत्यरतिर् वितृष्णा सत्वञ्च शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसः, तो अरति को बंध मान्य है। अपन समझ सकें कि मार्क्स ने ईच अकॉर्डिंग टू हिज लेबर एंड ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड के लेवल पे सोशलिज्म और कम्युनिज्म जब प्रेस्क्राइब कियो तो कैपिटल को बंध मानने वाले, क्या हमें कैपिटल को रोल नहीं होना चाहिए, सारो जो है बंध जो है जीव को ये कैपिटलिज्म के कारण हो रहे है, कैपिटल को खत्म कर दो, ईच अकॉर्डिंग टू हिज लेबर वो सोशलिज्म होना चाहिए और अल्टीमेटली एक ऐसी सोसाइटी डेवलप होनी चाहिए जहाँ में ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड फुलफिल होती हो, तो वहाँ कैपिटल बंध हो गया। तो बंध क्या है, जैसे जिनने चेत चेत चित्त को वासना रहित बनाने की सोची उनके यहाँ वासना प्रतिबंध है। बंध क्या है और मुक्ति क्या है ये अपन एब्सोल्यूट टर्म में कभी सोच नहीं सके हैं। जैसे एक साधारण बात कहूँ, वैष्णवन को खास सुनने समझने की बात है कि अपने पुष्टि मार्ग में भगवत भक्ति में सबसे बड़ा प्रतिबंध मर्यादा है। मर्यादा वो शास्त्र की मर्यादा नहीं, मर्जाद वाली मर्यादा, पीर की बेटी पीर जादी, मीर की बेटी मीर जादी, और मर्जादी मन तो साफ सु बड़ो जितने वैष्णवन के घर में बच्चा है पुष्टि मार्ग को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं माँ बापन के मर्जादी होने के कारण। अब ये बंध है आज की तारीख में, कोई बखत वो भक्ति को साधक हतो, क्यों भक्ति को साधक हतो, क्योंकि वहां ये बात बताई गई थी कि सेवा में अपने को अन्य को प्रतिबंध नहीं आना चाहिए, अन्य के प्रतिबंध से रहित अपने को भगवत सेवा में परायण होना चाहिए, वाके लिए कुछ ऐसी मर्यादाएं निभाओ जिन मर्यादान के कारण अपन को सेवा में अन्य को प्रतिबंध, भगवत सेवा में अन्य को प्रतिबंध नहीं आवे। वो मर्यादा की चटनी ऐसी पीसी गई, ऐसी पीसी गई कि अन्य प्रतिबंध तो नहीं आवे सो नहीं आवे, वो तो पहले ही भग जाए पड़ोस छोड़ के, पर अपने सगे बेटाएं भी पुष्टि मार्ग छोड़ छोड़ के भग जाए क्योंकि मर्यादा के कारण लोई पीवा जाए सबको। तो आज की तारीख में
महाप्रभु जी प्रकट होते तो बंधन को अज्ञान को प्रतिबंध नहीं कहके अविद्या को मर्जात को प्रतिबंध कहते, कि भक्ति में सबसे बड़ा प्रतिबंध यदि कोई है तो मर्जात है। कुआ को जल नहीं पियो तो सेवा छोड़ दो, ये नहीं कियो तो सेवा छोड़ दो, गुरु की आज्ञा नहीं ली तो सेवा छोड़ दो, हर जंक्चर पे सेवा छोड़ो सेवा छोड़ो सेवा छोड़ो। महाप्रभु जी कहें सर्वदा सर्वभावे न भजनीय वर्जाति पर, कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता, सदा कार्या अपन कहें सेवा छोड़। तो आज की तारीख में अज्ञान प्रतिबंध की कथा तो समाप्त हो गई, दूसरा चैप्टर शुरू हो गया। ये सब जो मर्यादाएं कि कुआ नहीं है तो सेवा नहीं हो सके, ये नहीं है तो सेवा नहीं हो सके, मोहन थाल मठड़ी बूंदी लड्डू नहीं है तो सेवा नहीं हो सके, ये सब मर्यादा भोग राग श्रृंगार की मर्यादा भक्ति में सबसे बड़ा प्रतिबंध आज की तारीख में पैदा कर रही है। और बच्चाएं वाली है अपने भक्ति मार्ग को एक्सेप्ट नहीं करें। तो बंध क्या है, मुक्ति क्या है, ये अपन समझ सकें कि कभी निरपेक्ष प्रत्यय नहीं है, सापेक्ष प्रत्यय है। जाकु अपन ने मुक्त अपन कायसु होंगे साधना के लेवल पे, अपन ने जा चीज को मुक्ति को उपाय मान्यो है, वहां में प्रतिबंध करने वाली वस्तु बंधन है। मूल में ये बात समझनी चाहिए। महाप्रभु जी याली एक बहुत सुंदर बात समझावे कि अज्ञानम अन्यथा ज्ञानम कृष्णगम विनिवार्यते प्रमाणम, अज्ञानम अन्यथा ज्ञानम कृष्णगम प्रमाणम। भगवान जा बखत तुम्हारे अज्ञान को अनुरूप अपनो भावानुरूप स्वरूप प्रकट कर रहे हो, भगवान तुम्हारे अन्यथा ज्ञान के अनुरूप अपनो भावानुरूप स्वरूप प्रकट कर रहे हो, वह बखत ज्ञान प्रतिबंध है, वह बखत ज्ञान प्रतिबंध है, वह को अन्यथा जानो ही। जैसे अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य यः कश्चन औत्पत्तिक आत्मयोग, जब विराट स्वरूप भगवान ने यशोदा को दिखाया, वह विराट स्वरूप को देखने के कारण यशोदा की ये मति खत्म होने जा रही थी कि ये मेरो पुत्र है, और यदि यशोदा की ये मति खत्म हो जाए कि ये मेरो पुत्र है, तो भगवान ने तो यशोदा के भाव के अनुरूप वह को खुद को पुत्र होने को आत्मज होने को नंदात्मज को रूप लियो, नंदात्मज को रूप लियो। अब वो ही मति यदि खत्म होती हो तो ज्ञान प्रतिबंध है, और ज्ञान प्रतिबंध है तो वास्तविकता में महाप्रभु जी कहें कि जब भगवान ने अपने अज्ञान और अन्यथा ज्ञान के अनुरूप कोई भावात्मक स्वरूप लिया है भक्ति प्राकट्य के लिए, हो मुक्ति देने के लिए नहीं, महाप्रभु जी ने ये कंडीशन और रखी है वहाँ कि मुक्ति देने के लिए नहीं पर जीव में भक्ति प्रकट करने के लिए वाके अज्ञान को रिस्पांस दियो है, वाके अन्यथा ज्ञान को रिस्पांस दियो है, रिस्पांस देने के लिए अपनो वैसा स्वरूप प्रकट कियो है, वह स्वरूप को साथ भक्त्यात्मक संबंध के निर्वाह में ज्ञान प्रतिबंध है, वरना ज्ञान प्रतिबंध नहीं है, वरना ज्ञान प्रतिबंध नहीं है। तो ज्ञान भी अपने आप प्रतिबंध है, अज्ञान भी प्रतिबंध है, बंध है, अपने या बंध नहीं है तो एक भक्ति बंध नहीं है, ये अपना स्टैंड है। कर्म भी बंध है, बंधन है, जैसे अपन देख सके कर्म जड़ आसुर अन्य उपासक भजन धर्म तिलीन, तो कर्म भी बंध है, और वही कर्म जब अपन भक्त्यर्थ कर रहे हैं तो वो कर्म स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव, वही स्वकर्म को निर्वाह यदि अपने को भक्ति करने से विरत कर रहे है तो शास्त्रोक्त कर्म भी बंध है, और वही कर्म यदि अपने को भक्ति करने के लिए हेल्पफुल हो रहे है अपने में ये निर्वाह शक्य कि मैं मेरे कर्म से तेरी भक्ति करना चाह रहे हूं तो भक्ति अर्थ कर्म बंधन नहीं है, भक्ति प्रतिकूल कर्म बंधन है। तो अपने यहाँ जो बंध और मुक्ति की परिभाषा है वो बहुत लचीली है, और यही लिए अज्ञान जो है वो बंध है, ऐसे ही अन्यथा ज्ञान भी बंध है। तो जब अपन ये अज्ञान और अन्यथा ज्ञान को इश्यू को हाइप कर रहे हैं वह वक्त अपने को हर वक्त ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि कौन सी साधना में अज्ञान, कैसे अज्ञान, कौन सी साधना में अन्यथा ज्ञान, कैसे टाइप को अन्यथा ज्ञान वो बंध है। जैसे अपन एक शंकर मत को सिद्धांत लें तो बात एकदम स्फुट समझ में आ जाएगी।
कि मैं ब्रह्म नहीं हूं, स्थूलोहम कृशोहम गौरोहम तिष्ठामि गच्छामि लंघयामि, ये जो अपनो ज्ञान है अहम के साथ, अहम के ये जो विकल्प है वो ब्रह्म ज्ञान में प्रतिबंध है। ये बात कबूल करने के बाद शंकराचार्य कह रहे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारिका वृत्ति भी एक बंधन है, वो जब तक निवृत्त नहीं होएगी तब तक सचमुच में ब्रह्म नहीं हो रहे हो। क्योंकि जब तुम कह रहे हो कि अहम ब्रह्म, तो अहम की जो उपाधि है ना वो भी बंधन है। अब अहम के तो जंपिंग पैड पे ब्रह्म के ब्रह्मता में अपन ने डाइव लगाई है, और वो जंपिंग पैड भी स्विमिंग पूल में अक्सर ऐसे हुआ है कि जब अपन चढ़ तो जाए तीसरे माले पे और जंपिंग लगाते हो, डाइव लगाने के बजाय नीचे देखें तो डर लगे, तो अपन जंप ही लगाते रहे, डाइव नहीं लगावे। तो यदि तुम अपने अहम के जंपिंग पैड पे खाली जंप ही ले रहे हो तो जंपिंग पैड बंधन है, और डाइव लगा दी तो मुक्ति है। तो अहम ब्रह्मास्मि भी जो है वो अपनी संस्कृति को एक प्रकार है, और वाकई भी निवृत्ति शंकराचार्यों के हैं, शंकर मत में कह जाए कि कतक रेणुवत है, कि जैसे ये वो क्या कहें वाकई फटकड़ी, तो फटकड़ी जल के कचरा को साफ करके खुद भी साफ हो जाए, ऐसे अहम ब्रह्मास्मि का वृत्ति जो है वो स्वतः नष्ट हो जाएगी, साफ करने को कुछ नहीं मिलेगा। मैंने डिपार्टमेंट क्लोज हो गया, डिपार्टमेंट क्लोज होने पे ऑफिसर अपने आप रिटायर्ड हो जाएगा। तो वह तरह से जब तक तुमको ये ब्रह्मति है कि स्थूलोहम गौरोहम तिष्ठामि गच्छामि लंघयामि, तब तक अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति मुक्ति साधक का है। और जा वक्त तुमको वो निवृत्त हो गए हो, वाक्य बाद भी तुम अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि कर रहे हो, मतलब अहम ब्रह्म ना अस्मि अहम ब्रह्मास्मि, पाछो अहम ही हाइप कर रहे हो, ब्रह्म को हाइप नहीं कर रहे हो, वहां अहम ब्रह्मास्मि का वृत्ति मुक्ति नहीं है, बंधन है। तो हर वक्त ये बात अपने को सावधानी से रखनी पड़ेगी। भगवान बुद्ध ने भी ये बात बहुत बढ़ा चढ़ा के कही थी कि बहुजन हिताय बहुजन हित सुखाय मेरो धर्म है, और अंत में लफड़ा क्या हो गया कि उन्हें कही ईश्वर आराधन जो है वो बंधन है, सबसे बड़ो मोह है ईश्वर आराधन, अत्ता ही अत्तनो नाथ अत्ता ही अत्तनो गति, अत्ता ही आत्मा ही खुद आत्मा को नाथ है, ईश्वर कोई परमात्मा कोई नाथ नहीं है। और जब निर्वाण हो गयो या सिद्धांत सु, तब उनने कही कि या निर्वाण को अकेले को मैं यदि लाभ ले रहे हूं तो मेरे जैसा स्वार्थी कोई नहीं, या के लिए घड़ी घड़ी अवतार लेके सबको करूंगो, और जब अवतार लेके और घड़ी घड़ी सबको उद्धार करूंगो, वाह बखत सु बुद्ध भगवान खुद बौद्धन में भगवान बन गए, और अब अत्ता ही अत्तनो नाथ नहीं बुद्धो ही अत्तनो नाथ बुद्धो ही अत्तनो गति हो गयो। तो जिस जगह से ले चला था राह भर हम वहीं आ गए हैं, फिर घूम के आ गया सीमा जाने क्या ख्याल, ताक में रख दी सुराही चूमके। तो वह तरीके की स्थिति हर धर्म में हो जाए है, वह बात की सावधानी बरतनी बहुत जरूरत है कि बन जो मुक्ति को उपाय है वो जा वक्त बंधन बन जाए ना, वो संस्कृति से ज्यादा भयंकर हुए है। संस्कृति जितनो नहीं है जितनो वो बंधन हो जाए है। और यही लिए अपने यहाँ ऐसे कहो जाए कि जो जो साधक उपाय है वो ऑलमोस्ट कैसो केस हुआ है कि बहुत पेन किलर अपन लेवें तो पेन पशु शांत हो जाए, और वह पेन किलर को जब वक्त एडिक्शन हो जाए तब किडनी फेल हो जाए और सब चलन चह तब कृपा निधाना समर भूमि भय वल्लभ प्राणा, वह तरीके की स्थिति वो जो औषधि है वो ही मारक हो जाए है जो रोग की वारक होती हुए। ऐसे बहुत सारी साधना में ये प्रॉब्लम हर वक्त सताती रहे है कि जो साधक है वो बाधक हो रहे है। और महाप्रभु जी ने या लिए पहली बार हिम्मत करके कही कि नहीं नहीं साधक कभी भी गलत यूज करने पे बाधक हो सके, ऐसे बाधक भी कहीं सच्चे उपयोग करने पे साधक हो सके है। ये बात शंकरन ने भी कबूल करी थी कि असत्य वर्तमान स्थित्वा ततः सत्यम समीहते और द्वे सत्य समुपाश्रित्य बुद्धानाम धर्मदेशना लोके समृति सत्यत्वम सत्यंच परमार्थतः
वहां सत्य के दो भेद कर दिए। अब निर्विकल्प प्रत्यक्ष को क्या भय अपन विचार है तो माथा को जलाना पड़ेगा, दे सत्य पे निर्विकल्प के सविकल्प के या तरीके की प्रॉब्लम हर धर्म साधना में हर उपाय में हुए। जो लेटेस्ट धर्म कम्युनिज्म है तो वहां में भी यही भयो कि सब कैपिटलिस्ट खत्म कर दिए और जितनी गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी ऐसी उनके पास मैक्सिमम कैपिटल इकट्ठी हो गई जितनी कैपिटलिस्टन के पास नहीं होती। और वो जिस जगह से ले चला था हम राह भर, हम वहीं आए फिर घूम के। ये अल्बर्ट कामू बहुत अच्छे कहे, इट इज़ अ फेट ऑफ रेबेल टू फाउंड न्यू ऑर्थोडॉक्सी, इट इज़ अ फेट ऑफ रेबेल टू फाउंड न्यू ऑर्थोडॉक्सी। वो एक नई ऑर्थोडॉक्सी पैदा कर रहे हो, वाक्य अलावा कुछ नहीं है। ऐसे हर जो बंधन है, पर महाप्रभु जी कहें कि दोनों बात के लिए ऑप्शन खुले रखो, कहीं साधक जो है वो बंधन भी हो सके, कहीं बाधक जो है वो साधक भी हो सके। और यही लिए महाप्रभु जी कहें कि भक्तानांतु संसारोपी साधके एव भक्ति अंगत्वात्। भक्त को यदि संसार भक्ति को अंग बन रहे हो है, तो होएगा जिनके लिए बाधक उनके लिए भक्ति को अंग बन रहे हो है, तो अविद्याकृत संसार जो है जो अपनी स्वरूपस्थता नहीं है, अरे भाई मेरी स्वरूपस्थता नहीं है पर वाको जो स्वरूप है वाकु पहचानने में वाकु भजने में यदि मेरी अस्वस्थता साधक हो रही है तो बाधक होते भाई भी साधक है। अभी हम यहाँ चर्चा के पहले वहां खड़े बैठे चिदानंद जी और एक डॉक्टर, तो मैं यही बताया था कि बच्चा है बड़े बदमाश हो गए, तीन चार बच्चा हो जाए ना तो बच्चा चेक करे कि माँ बाप कौन को अटेंड करें। नॉर्मली माँ बाप को जा बच्चा पे प्यार होता है वाकू अटेंड करें, जाकू अटेंड नहीं करते ना वो बच्चा रोना शुरू करे, क्योंकि तो माँ बाप की वीकनेस पता हुआ कि रो तो मुझको अटेंड करे। अब रोनो जो है वो बाधक है स्नेह में, पर बच्चा वाको ऐसो मिसयूज करना शुरू करे कि भूख लगी है वो भी हंस के नहीं कहगो रो के कहगो, सोनो है वो भी हंस के नहीं कहगो रो के कहगो, आंसू आंसू मांग के नहीं कहगो रो के कहगो, क्योंकि आपको पता है कि रोए बिना माँ बाप अटेंड नहीं करें। तो वो रोनो जो है वो वात्सल्य में बाधक होते हुए भी साधक हो जाए, बच्चा वाको उपयोग करे जाते रहे। ऐसे जो संसार जो है वो रोनो है समझ लो, और भक्ति जो है वो हंसना समझ लो, पर यदि ये रोने से माँ बाप को ध्यान आकर्षित होता है तो थोड़ी बदमाशी भगवान के साथ अपने को भी कर लेनी चाहिए कि भाई थोड़ी देर रो लो। घर की तामीर चाहे जैसी हो इसमें एक रोने की जगह रखिए, तो रोने की एक जगह रहेगी ना तो शायद ध्यान करेगा, नहीं ध्यान दे तो क्या करना, रो के ध्यान दिवाना। तो वैसे अच्छी आदत नहीं है, पर बुरी आदत भी कई वक्त अच्छे रिजल्ट लाती हो है कि नहीं माँ बाप अटेंड करते हैं तो कैसे उनको अट्रैक्ट करना। तो यालिए नहीं रोनो के दुख है, पर यालिए रोनो कि एटलीस्ट ध्यान तो देंगे ना अपनो। वो बूढ़ेन को भी ऐसा रोग हुआ है, बच्चान को भी ऐसा रोग हुआ है। तो ये बंधन में ये बात मुझको लगे कि खास इम्पोर्टेंट में अपने को समझनी चाहिए, व्यामोही का माया। मैं यही लिए आप देखो बा कि व्यामोही के माया एक बंधन है, और वह व्यामोही का माया को भगवान चित शक्ति कह रहे हैं, आनंद शक्ति नहीं कह रहे हैं। सर्वभवन सामर्थ्य रूपा माया को आनंद शक्ति कह रहे हैं। सर्वभवन सामर्थ्य वाकई आनंद की शक्ति है, आनंद की शक्ति होने के कारण वो लीला के रूप में विलसित हो रही है। और व्यामोहिका माया चित्त की शक्ति है। चित्त की शक्ति क्यों है, वह बात को ध्यान समझो कि अपनो जो चित्त है वो अंशी रूप अपरिच्छिन्न चित्त नहीं है, परिच्छिन्न चित्त है। तो व्यामोहिका माया अपनी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति हो, टेबल को व्यामोह नहीं हो है। टेबल को कभी व्यामोह नहीं हो है कि मैं ये कौन सा क्या नाम है आपको वल्लभाचार्य विद्यापीठ को मैं टेबल हूं, पर अपने को ये भ्रांति हो रही है व्यामोह रहे कि ये हमारा टेबल है। टेबल को कुर्सी को ये कभी भ्रांति नहीं है कि मैं श्याम मनोहर जी की कुर्सी हूं, मुझको ये भ्रांति हो रही है ये मेरी कुर्सी है। रेलवे की बर्थ को कभी भ्रांति नहीं हो कि मैं पैसेंजर की हूँ या पैसेंजर के लिए हूँ, रेलवे के पैसेंजर को यह भ्रांति हो है कि यह बर्थ मेरी है, काय को बैठा होट। ये अपनी भ्रांति है, वो व्यामोह है।
पर अब वो व्यायामों भी कोई वक्त काम आते हुए जबरदस्ती बिना टिकट के चढ़े आते हुए बैठ जाते हैं जबरदस्ती में। बनारस जाते थे तो हमारे साथ हंसु भाई के साथ रहते ही हो, तो अलाहाबाद के बाद वो गाड़ी जो है वो बैलगाड़ा बन जाती, कोई स्टूडेंट चढ़े कोई स्टूडेंट उतरे, अपन बैठे हुए अपन उनको कहें कैसे भाई ये हमारी रिजर्व काय की रिजर्व है हटो, जबरदस्ती बैठ जाए। कंडक्टर को कहें भाई इनको भगाओ, तो कहें तुम एक दिन यात्रा करें हमको 365 दिन यात्रा करनी है। स्कूल आवे तो जंजीर खींच के रोक दें, गांव आवे तो जंजीर खींच के रोक दें, स्टेशन नहीं हो तो जंजीर खींच के रोके। अब अपना व्यामो वहाँ भंग हो जाए कि मेरी सीट है, ब्रह्म ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, स्टूडेंट ज्ञान से ही अपना व्यामो भंग हो जाए कि ये मेरी सीट नहीं है, ये तो सबकी सीट है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्ते न भुंजिता। अलाहाबाद से बनारस की यात्रा में अपने अहंता ममता को तोड़ने को न कर्म की जरूरत है, न ज्ञान की जरूरत है, न भक्ति की जरूरत है, खाली स्टूडेंट की जरूरत है। वो चढ़ना शुरू करें उतरना शुरू करें, रिजर्वेशन को कोई नियम नहीं है, कंडक्टर भी वहाँ कंडक्ट नहीं कर सके। तो अपने बम्बई की लोकल ट्रेन में भी अपन समझते हैं कि अपन जोड़ा सु चढ़ रहे हैं, पर जोड़ा को कोई साथ रहने ही नहीं दे, मार धक्का पति यहाँ पत्नी वहाँ, इतनी भीड़ है कोई वहाँ साथ रह ही नहीं सकता है। अपन भले गीत गाते हैं कि कभी ना बिछड़ेंगे, सौगंध खा रहे हैं हम, क्या जी ना पाएंगे कभी बिछड़ गए तुमसे, तो अरे पर वो ट्रेन में तो जी नहीं पड़ेगा, कोई साथ रहने ही नहीं देगा, ऐसी दुर्गति है। क्योंकि अहंता ममता नाश तुरंत हो जाए, लोकल डब्बा में चढ़ो ना ट्रेन के, ना अपने को अहंता रह जाए, ना पत्नी की या पति के बारे में ममता रह जाए। क्यों भीड़ यहाँ फेंके भीड़ वहाँ फेंके, कई वक्त तो स्टेशन पे उतरना है वाकई भी अपने को ममता नहीं रह जाए, क्योंकि भीड़ उतार दे तो उतरना पड़े, भीड़ चढ़ा दे तो चढ़ना पड़े, लाई हयात लाई हजा ले चली चले, अपनी खुशी न चढ़े ना अपनी खुशी उतरे, जैसा हो जाए। तो ये बंधन क्या है और मुक्ति क्या है, ये हर वक्त इतरे तरसापेक्ष है, ये बात यह हमें खास समझने की लायक है। और टेक्निकली कुछ आपको बात हो तो नहीं, टेक्निकली बस इतना ही कि ये पुनरुक्ति है या अविद्या शक्ति और व्यामोहिक का दो, क्योंकि अविद्या जो है ना वो विद्या विद्य हरे शक्ति है और वो मायैव विनिर्मिते ते जीवस्यैव नान्यस्य दुखित्वं चाप्यनिशता। तो दुखिता और अनिशता जीव चेतना में क्यों आ रही है, नित्य परमानंद को अंश होते भय, परमेश्वर को अंश होते भय, क्योंकि अविद्या के कारण वो अपने को ब्रह्म नहीं मान रहे है, ब्रह्म नहीं मान रहे हो करके परमानंद आनंद रूप नहीं मान रहे है, आनंद नहीं रूप मान रहे हो करके दुखी हो रहे है, परमेश्वर होने के बावजूद भी अपने को ईश्वर नहीं मान के वो अनिश मान रहे है। तो ये दुखिता और अनिशता ब्रह्म की अविद्या शक्ति अपने में प्रकट हो रही है वाक्य कारण, विद्या और अविद्या दोनों वाक्य शक्ति हैं, पर जो व्यामोहिका माया है वो वाकी शक्ति नहीं है, क्योंकि वाकु व्यामोहिका माया की शक्ति की वाकी क्यों नहीं है, वाकु कारण महाप्रभु जी ये दें कि जो जादूगर है वो जादूगर की जो मैजिकल ट्रिक है, वासु जादूगर कभी व्यामोहित नहीं हो, प्रेक्षक व्यामोहित हो तो वह, कोई भी जादूगर की जो जादूगरी है वासु जादूगर व्यामोहित नहीं हो, प्रेक्षक व्यामोहित हो तो वह कि भाई क्या याने जादू की हो। तो व्यामोहिका माया प्रेक्षक की शक्ति है, जादूगर की शक्ति नहीं है। जादूगर की शक्ति क्या है, तो वो जादू दिखा सके ऐसो कि जासु व्यामोहिका माया को माने उद्बोधन हो सके, तो व्यामोहिका माया उद्बुद्ध हो जाए। तो बंधन और व्यामोहन हाँ या में कोई पौर्वापर्य है क्या? मैं एक खुलासा करना चाहूंगा। एक मिनट, रविंद्र बाबू बहुत अच्छी बात कहे, तुम्हार आमी प्रभु करे राखी, आमार आमी सही टुकु भाग भागी, रही वो बांधा तुम्हार बाहु डोरे, आमार आमी सही टुकु थाक भागी, तुम्हारे आमी कोथाओ ना ही ढाकी, आमार आमी सही टुकु थाक भागी। तो तुम्हारे आमी प्रभु करे राखी, आमार आमी सही टुकु थाक भागी, मैं तो कु प्रभु मानू ऐसी मेरी अहंता कभी भी खंडित नहीं होनी चाहिए,
मैं हर वक्त तेरे बाहु डोरन में बंधे रहूं, ऐसी मेरी ममता कभी भी खंडित नहीं होनी चाहिए। रही वो बांधा तुम्हार बाहु डोरे, अमारामी शेर टुकु थाक बाकी। तो व्यामोहिका माया भी जो है वो तो कहीं साधिका हो सके है। यदि व्यामोहिका माया साधिका नहीं होती तो रविंद्रनाथ की इतनी अच्छी कविता प्रकट नहीं होती। बहुत मीठी कविता है ये। भक्ति को तो सारी ये है कि तुम्हारे आमी प्रभु करे राखी, अमारामी शेर टुकु थाक बाकी। तुम्हार लीला होवे प्राण भरे, ये संसारे रेखे से ताई धरे, बांधान हमार सही टुकु थाक बार। ये बंधन तो मेरा रहना ही चाहिए और सब बंधन खत्म हो जाए, पर तुम्हार लीला होवे ये प्राण भरे, ये संसारे रेखे से ताई धोरे, हमार आमी सही टुकु थाक बाकी। इतना बंधन तो बांधान हमार सही टुकु थाक बाकी, वो बंधन तो मेरे को रहना चाहिए, क्योंकि वो बंधन मेरी मुक्ति है। वो बंधन मेरे लिए बंधन नहीं है, जाके लिए बंधन होएगो होएगो, मेरे लिए तो यही मुक्ति है कि तेरे लीला होए या प्राण में। गोपीजन ने जैसे कहें तई धृता सवा त्वाम विचिन्वते, ते तई धृता सवा त्वाम विचिन्वते, तई मने तदर्थकम धृता सवा त्वाम विचिन्वते। तो प्राण तो मार लीला होवे ए प्राण भरे, ए संसारे लेखे से ताई धरे, बांधा ना मार। बहुत मीठो शब्द रविंद्र बाबू ने कहा है। सो बंधन भी व्यामोहजन्य बंधन भी तो एक तो मुक्ति हो सके नहीं हो सके ऐसी बात नहीं है। वहाँ ठिकाने मोह रहित हो जानो सबसे बड़ो बंधन है, वहाँ मोह रहित होनो सबसे बड़ो बंधन है। दूसरे ठिकाने मोह रहित होनो मुक्ति हो सके, पर भगवान में मोह रहित होनो बंधन है। जहाँ तक भक्ति मार्ग को सवाल है, अन्य मार्ग में वो बंधन हो सके है। तो याली अपने को थोड़ो या को क्लोज नहीं करना चाहिए। वो जैसे जैन लोग कह ना कि सत सदैव और स्यात सत, तो सदैव जो है वो बंधन है, सत जो है वो तो ठीक है, और स्यात सत जो है वो अबंध है। तो वो सदैव जो है वो बंधन है, ऐसे अपन बंधन को बंधन ही मानना। वो जैनन की तरह अपने को भी कहना चाहिए कि बंधन को बंधन ही मानना, पाछे एक दूसरो बंधन है जहाँ बंधन को कोई छुटकारा नहीं हो सके। कभी कभी अपने को माइंड अपना इतना ओपन रखना चाहिए कि कोई संदर्भ में बंधन भी अपनी मुक्ति हो सके। और एक बात ध्यान से समझो कि अपनी कोई भी साधना, कर्म की, ज्ञान की, वैराग्य की, तप की, आत्मा के देह में बद्ध होए बिना शक्य नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। कोई भी साधना सबके लिए कंपलसरी प्री रिक्विजिट है कि देह आत्मा में बंधी भई होए। तो यदि साधना की कोई ब्यूटी है तो देह को आत्मा में बद्ध होने वाली ब्यूटी है, वरना तो साधना ही नहीं है। अब जिनको साधना को, जिनको साधना पे अनुराग है ना, उनके लिए देह बंधन छूटनो बंधन है। और जिनको मुक्ति पे अनुराग है, माने कुछ लोगों को मंजिल अच्छी लगती होवे, कुछ लोगों को राह अच्छी लगती होवे है, कुछ लोगों को राह और मंजिल दोनों अच्छी लगती होवे, तो या के हिसाब से जिनको मंजिल अच्छी लगती होवे उनके लिए राह बंधन है, जिनको राह अच्छी लगती होवे उनके लिए मंजिल भी बंधन है। हो बात समझो, यही लिए अपने यहाँ बात ध्यान से समझो कि भागवत में आश्रय भावापत्ति को एक तरह को अनिच्छतो गति मंडवीम प्रयुक्त है भागवत के, कि भक्त ये नहीं चाहे कि मैं आश्रय भावापत्ति होए, भक्त तो यही चाहे कि मैं भगवान में निरुद्ध रहूं। रही वो वकील महाप्रभु जी ने निरोध शब्द कितना अच्छा कहो है कि हरिणा ये विनिर्मुक्ता ते मग्ना भव सागरे, ये निरुद्धा जाकु सब बंधन मान रहे हैं, मोदम आयांत्य हर निशम। हरिणा ये विनिर्मुक्ता ते मग्ना भव सागरे, ये निरुद्धा तय वात्र मोदम आयांत्य। निरोध जो महादुख को कारण है ना, वो अपने यहाँ महासुख को कारण है, और मुक्ति जो महासुख को कारण है, क्योंकि अपने को भक्ति करनी है। या लिए अपन बोले नहीं क्योंकि भगवान से रिलेटेड बात है, पर दास मन में तो विनती वही करे ना कि भाई खाय को मेरे को मुक्ति दे रहे हो। ममोत्तम श्लोक जनेश सख्यम
संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म वित्वन्मायात्मात्मज धारगे श्वासक्त चित्त न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा समंजसत त्वा विरहय्य कांक्षे। मुझको नहीं चाहिए ये सब, क्योंकि भक्ति करनी है वहां बंधन हो रहे हो। कोई दो कदम आगे बढ़ के अपने पुष्टि मार्ग के ढंग से सोचो ना, तो हरिराय जी ने भगवान को प्रतिबंध मानने वाले, भगवान को प्रतिबंध मान के वो कह रहे हैं कि भगवान जो है वो संयोगानुभव को दान कर रहे हैं, वो प्रतिबंध है, और अपन को भगवान को विप्रयोग हो रहे हो वो परम फल है। पुरुषोत्तम जी बेचारे घबरा गए कब कह करना हरिराय जी को। पुरुषोत्तम जी ने वहां एक सीधो सा खुलासा कह दियो कि हर भक्त के भीतर भगवान अलग अलग तरह को भाव पैदा करे है, और जाके प्रति जो भाव है वाकू वो फल है, और जाके प्रति जो भाव नहीं है वाके लिए वो साधन है। पुरुषोत्तम जी की बड़ी पैनी दृष्टि है महाप्रभु जी के सिद्धांतन को एसेसमेंट करने की, क्योंकि भाई क्या करें, फल को दो अर्थ हुए है, फल को दो अर्थ हुए, एक साधना के बाद पैदा भई नियति, और एक साधना करने के पहले अपनी जो मनोरथ अपनो आकांक्षा, वो आकांक्षा वो भी तो एक फल है ना। अब कोई को साधना करने को ही आनंद आ रहे हो है, ये अपने को ऐसे समझ में नहीं आवे, सरलता से अपने को समझ में आ जाए, कभी हिमालय की यात्रा करो, कभी हेलीकॉप्टर लेके वहां पहुंच जाओ, हिमालय को सारो सौंदर्यानुभूति से वंचित रह जाओगे, और कभी चढ़ के जाओ हिमालय पे, हिमालय की चढ़ाई में जो सौंदर्य है वो हेलीकॉप्टर से पहुंचने में नहीं आवे, बहुत नीरस विषय लगे। मैंने अपन तो एवरेस्ट भी देख के आए, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, तो क्या आया मैं धरे यार सब, पर वही चढ़ के जावे जा वक्त तो साधना को सौंदर्य इतना ज़्यादा है कि एवरेस्ट पर पहुँचना को जो आनंद है वो आप न्योछावर है। हिमालय पे चढ़ के देखो, वहाँ की यात्रा करो, वो ट्रैवल इतनी एक्साइटिंग इतनी थ्रिलिंग है कि वहाँ पहुँचना इतना थ्रिलिंग इतना एक्साइटिंग नहीं है। और सचमुच में ढोकला होए कि लड्डू होए कि रसगुल्ला होए कि गुलाब जामुन, जीप पे फिरा के देखो, पेट में घुड़क के देखो, तो अपन को लगे कि पेट कोई है कि पोस्ट बॉक्स है कि जो आयो तो डाल पेट में, वो विकृति पैदा करे। आनंद खाने को यदि है तो काय में जीप पे फिराने में। तो कोई को साधना ही फल है, कोई को फलम वा साधनम यत्र पुष्टि मार्ग सकथ्यते, माने कहीं फल जो है वो साधन हो रहे हो, कहीं साधन जो है फल हो रहे हो, वह वैपरीत्य के लिए अपने को अपनी माइंड सेट को ओपन रखना पड़ेगा, क्लोज करने से काम नहीं चलेगा, कि अज्ञान ही बंधन है, व्यामोह ही बंधन है, नहीं नहीं व्यामोह भी यदि भक्ति मार्ग के अंतर्गत आ रहे हो तो मुक्ति है, अव्यामोहित होनो भगवान से व्यामोहित नहीं होनो सबसे बड़ा बंधन है जीवन को। तो ये अपने को माइंड ओपन तो रखना ही पड़ेगा यदि महाप्रभु जी को सिद्धांत समझना है। दूसरे लोग हार्ड एंड फास्ट वाकू बंधन और मुक्ति को भेद करते हुए, महाप्रभु जी को तो मैंने आपको बता दी कि हर बात में थोड़ी सी अर्धजरती है, जो अक्ल की बात नहीं है, अक्ल की बात नहीं है, अक्ल वाले से कोई भी पूछोगे ना अति चतुरसु तो अर्धजरती न्याय को दोष मानेंगे, पर महाप्रभु जी में अर्धजरती न्याय जो है वो गुण है, क्योंकि दोषों पे हरिणा करता। तद्भानम तस्य कर्ता च हरिरेव तथा विध, महाप्रभु जी के हैं तो दोषों पे हरिणा करता, तो यदि दोष हरि को बनाया भयो है तो पाछी वही बात है कि गम अगर जाग उसल है फिर कहाँ बचे कि दिल है, गमे इश्क अगर न होता गमे रोजगार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विशाले यार होता। तो कहीं जो है वो गम भी जो है वो सुखद है, और कहीं जो है वो प्राप्ति भी जो है वो दुखद है हरिराय जी जैसन के लिए। तो ये व्यक्ति के भाव पर निर्भर बात है, यदि धिया तो रुगाए विभाव तत्त। अब तो को क्या कहना है, यहाँ मैं एक खुला समय करना चाहूँ जो शरद बाबा को प्रश्न है, तो हमें ये जो बंद और व्यामोह की बात भाई हमें ब्रह्मसूत्र में खुलासा है
पराभिधाना तु तिरोहितम ततो यस्य बंध विपर्यय। तो अपने यहाँ ये जो बंध है वो एक अलग कोटि की बात है। बंध और व्यामोह इक्वेलेंट नहीं है। जैसे शंकर मत वगैरह में ऐसे हुए कि अपने को व्यामोह वाक्य कारण बंद है, और अगर अपनो व्यामोह निवृत्त हो जाए तो बंद भी निवृत्त हो सके, पर अपने ऐसा नहीं माना जाए। पराभिधाना तु तिरोहितम, वो पराभिध्यान माने ब्रह्म की इच्छा के तहत बंद भयो है जीव को। अब जब तक वो इच्छा कायम है कि आपको बंद रखनो है तब तक वो प्रिवेल करे। तो ये अविद्या बंदी का है, अपन जब कह रहे तो अपन डिरोगेटरी सेंस में नहीं कर रहे, अविद्या की कोई निंदा नहीं कर रहे, पर अपने आप में एक पराभिध्यान जो है वाक्य अनुरूप एक शक्ति है जाके कारण जीव को बंद हो रहे हो। और वो कोई माने जैसे अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं विसर्ग लेवल की कुछ बात है कि जब सृष्टि की रचना हो रही है वाक बखत जीव को बंधन की इच्छा है प्रभु की और वाक्य तहत बंधन हो रहे हो। अब ये जो महाप्रभु जी खुलासा में करेंगे निद्रा दयो भी तद भेदाय, वो अपने आप में जब बंद भयो सृष्टि की रचना के समय वो अविद्या की शक्ति को प्रयोग किया प्रभु ने। वो जो बंधकता है जीव की वो तो कायम है, और बाकी जागृत स्वप्नवत जैसे साइकिल चलती रहे, ऐसे निद्रा आवे तब जो अपने को बंधन होवे और फिर नहीं रहे। तो ये वाक्य भी छोटे मोटे भेद है, पर एक जो सृष्टि की रचना के वक्त जो बंधन भयो है वो कायम रह रहे। और ये जो व्यामोह की बात करे, व्यामोही का माया, वो एक बार सृष्टि को शुरू हुई साइकिल या ड्रामा अपन कहें तो वाक्य तय जीव को व्यामोह होते रहे और फिर वो व्यामोह की निवृत्ति भी होती रहे, तो वो जागृत स्वप्नवत साइकिल चलती रहे। पर वो बंध एक अलग चीज़ है, व्यामोह एक अलग चीज़ है। बंध जो है वो पराभिध्यानात् प्राप्त हो रहे, और व्यामोह जो है वो जीव को अपने आप में चित शक्ति जो है वाक्य मुग्धता आ रही है, तो वो प्रभेद हो रहे। ये अपनों बड़ी मजेदार बात बताऊं, हम लोग जब हिमालय घूमने गए तो सब बच्चान को मैंने कही कि अपनी अपनी एक स्लीपिंग बैग ले लो। सब बच्चान ने स्लीपिंग बैग ले ली। स्लीपिंग बैग में बयार घुस गयो, और ये या ने क्या उपद्रव कियो, बयार को जो स्लीपिंग बैग को मुंह तो वापे आके सो गयो। अब बयार की रात को नींद उड़ी तो क्या निकलूं कहां से, और जोर से शाउटिंग करी, बचाओ बचाओ फंस गया हूँ मैं, कहाँ फंस गया हूँ। रात को अचानक इतनी शाउटिंग हुई, हम लोग सब घबरा गए कि क्या भयो क्या। फिर पता चले कि वाकई मुंह पे ये सो गया, तो आपको निकलने को रास्ता ही नहीं है तो स्लीपिंग बैग में या कुछ अगर भाई उठ तो सही, वाकई स्लीपिंग बैग के मुंह पे काय कुछ हो गया ये या ना ऐसा पराक्रम किया, शाउटिंग कर दी अल्लाह बचाओ बचाओ फंस गया हूँ मैं। अब भाई सब लोग सेफ्टी से घर में स्लीपिंग बैग में सो, हमें बचाव की बात कहाँ से आई। घबरा जाए आदमी तो बचाव बचाव करे, या को गुड़कने की बहुत आदत टीवी को गरीब के मुंह पे ही सो गया तो कभी कभी ऐसा उपद्रव हो जाए बंधन को। थोड़ो यहाँ पंचुएशन में इन्होंने नहीं किया है, यहाँ से भी थोड़ो क्लिष्टता आ रहे हैं। अविद्या बंदी का निद्रा दयोदपि तद वेदैव केचन माया वेद इत्याहु, ये बंदी का जो शक्ति अविद्या वो केचन माया वेद इत्याहु। महाप्रभु जी अपनों मत तया नहीं करे बंदी का, अपनों नीचे करे माया सर्वभवन सामर्थ्य व्यामोहिका च, तो बंदी का तो, जो शक्ति नहीं है। ये बात तो समझ में आ गई, अविद्या जितनी भी शक्ति है उनके अर्थ गिताते भय, जब अविद्या आयो वाको मतलब क्यों बंदी का। निद्रा दयोपि तद भेदा एव, यहाँ ये पूर्ण भयो केचन माया भेद इत्याहु, केचन माया भेद कुछ लोग या को माया का भेद कह रहे हैं। शंकरन को मत, हाँ एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ। तो उनके यहाँ वो बंद और व्यामो सिनोनिम तरीके यूज हो रहे हैं, अपने यहाँ थोड़ा डिमार्केशन के नहीं। वाके बात जो आगे कर रहे हैं ना, एक बात ध्यान समझ, उनके यहाँ बंध वास्तविक है नहीं, व्यामोह रूपी बंधन है। व्यामोह कृत बंधन नहीं है, व्यामोहात्मक बंधन है। क्योंकि यदि बंध वस्तुता हो तो वाकी निवृत्ति शक्य नहीं हो। जैसे सांख्य में बंधन जो है ना वो वास्तविक है, पुरुष को प्रकृति में बद्ध होनो वास्तविक है, अवास्तविक नहीं है। शंकरन ने
प्रकृति का ठिकाने माया सब्स्टिट्यूट करी, पुरुष के ठिकाने ब्रह्म को सब्स्टिट्यूट करके बंधन को व्यामोहात्मक मान्यो है। व्यामोहक मानने के कारण वह में नसत न असत न नसत न असत न सदसत अनिर्वचनीय वो मिथ्या मोहात्मक है बंध करके, तो सत्य के ज्ञान से निवृत्त हो। यदि वह में कोई तरह की सत्ता आवे तो निवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि असच्चे न प्रतीयत सच्चे न बाध्यत प्रतीयते बाध्यते च तस्मात् सदसद विलक्षणम अनिर्वचनीयम। तो शंकरन के यहाँ व्यामोह बंधन व्यामोहात्मक है, अपने यहाँ बंधन व्यामोहात्मक नहीं है। बंधन अपने यहाँ भगवत इच्छा करते हैं, भगवान की लीला की इच्छा से अपन बद्ध भय हैं, और व्यामोह जो है वह में अपन को हो रहे है बंधे भय होने के कारण। तो वो एग्जैक्टली अपनो व्यामोह कुछ एक अलग बला है जो अपनी शक्ति है, अपने परिच्छिन्न चेतना की शक्ति है, और अपनो जो बंधन है वो तो वाकी लीला की इच्छा से अपन बंधे हैं। नहीं तो कोई की ताकत नहीं है कि चेतना को बांध सके। चेतना तो देश कालातीत वस्तु है, दैशिक कालिक वस्तु नहीं है, पर वह को बांध सके है क्योंकि भगवत इच्छा ऐसी है कि बंधे। ये वक्त खास समझ के जरूरी है, और तो कोई आपत्ति नहीं है। आपको ये वो प्रश्न जो या के पहले को जो आपको प्रश्न हो, तो शक्ति को जो डिवीजन कहाँ करनो, शक्तिमत्ता के या के पेपर में इतनी विभिन्न शक्तियाँ हैं, तो जैसे अंतर्यामी में ये प्रश्न आयो कि वहाँ को विभाजक रेखा कहाँ गनी, ऐसे ही यहाँ शक्ति में भी ये मुझको भी बहुत परेशानी हो गई कि यहाँ शक्ति इनको इतनी सारी शक्ति इनको गणना कर रहे, कभी आदि भौतिक लेवल पे, आध्यात्मिक पे, आदि दैविक लेवल पे, पुष्टि शक्ति की भी बात कर रहे हैं, वहाँ भक्ति के बारे में कभी आत्मरति मूला भी कर रहे हैं, धर्म विभाजन के बाद में शक्ति रूपेण विभाजन के बाद में वावकत भी अनंत शक्ति कह रहे हैं। तो इन शक्ति को क्या ऐसा कुछ विभाजन है कि कहीं अपन वो शक्ति के हिसाब से आचार्य चरण देख रहे हैं, या कहीं वो शक्ति की शक्तिमत्ता जो वाको रूप तत्त्व रूप जैसे विविध विश्लिष्ट शक्ति विविध बहुदेव भाति बीजानी योनिम प्रतिपत्य यद्वत, तो वहाँ जैसे ये बात करी है तो वहाँ वो तत्त्व रूप प्रभु धारण कर रहे हैं, तो वह वक्त कुछ वाको धर्म रूपता शक्ति को आ रहे है, फिर वाको वो कारण श्रृंखला के अंतर्गत ले रहे लेनो चाहिए, तो ऐसे क्या कुछ भेद है जो आपको भी। मैं एक भागवत को श्लोक सुनाऊं, मैंने ये एक्सपेक्ट किया तो या कि मैं पहले से लिख के लायो ये प्रॉब्लम को एंटिसिपेट कियो तो मैंने। भागवत क्या क्या है, तम ब्रह्म पूर्णम अमृतम विगुणम विशोकम विश आनंद मात्रम अविकारम अनन्यद अन्यत। ब्रह्म कैसा है, पूर्ण है, अमृत है, विगुण है माने प्रकृति के गुणन से रहित है, प्रकृति वहां में पैदा भई है, वहां में प्रकृति के गुण नहीं है। विशोकम ये लिए प्रकृति के गुणन से पैदा होते भय शोक ब्रह्म में नहीं है। ब्रह्म में कौन सी अवस्था में नहीं है, स्वरूपावस्था में, कार्यावस्था में वो ब्रह्म में भी है। आनंद मात्रम वो आनंद मात्र है, अविकारम क्योंकि वो प्रकृत्यात्मना पुरुषात्मना यद्रूपम समधिष्ठाय परमात्मा भवत्पुरा, वो प्रकृति और पुरुषश्चोभव है, तो वो विकार की प्रणाली से प्रकृति और पुरुष नहीं भयो है, अविकार की प्रणाली से प्रकृति पुरुष भयो है। जो तेरे को ख्याल हो तो वो मायोटिक और मेटोटिक जो स्प्लिट है सेल की, बायोलॉजिकल सेल की, वहाँ में विकार और अविकार दोनों प्रकार के परिणामी उपादान तक वहाँ मायोटिक और मेटोटिक में वो बताया है। तो वो मायोटिक और मेटोटिक के जो अविकारी परिणाम और विकारी परिणाम, ऐसे ब्रह्म जो है वो मूल में अविकारी परिणाम है, परिणत हुए है, और ब्रह्म के द्वार सृष्ट जो तत्व हैं अविकारी उपादानतया जो उपादेय बने भय तत्व हैं उनमें पाचो विकार उत्पन्न हो रहे हैं, वाकई ब्रह्म
जिम्मेदार नियम विकृत परिणामवाद भी पाछो आ रहे है भौतिक सृष्टि के लेवल पर। जैसे दूध को विकार दही है, ऐसे जगत को घड़ने वाले तत्वन को तत्व जो हैं वो ब्रह्म को विकार नहीं है, वो अविकारी हैं। पर उन तत्वन में से फिर प्रक्रिया सारभ हो तो आरंभवाद भी आ रहे हो महाप्रभु जी के मत में, विकृत परिणामवाद भी आ रहे है। और अपन देख सके हैं कि जहाँ देहादि संघात की बात आ रही है तो वहाँ प्रतीति समुत्पादवाद भी महाप्रभु जी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि देहादि संघात जो है या में कोई भी कारण नहीं है। माने अधिष्ठान तथा कर्ता करण च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचम तत्रैवं सति कर्तारं आत्मानं केवलस्तु य पश्यत्यकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति। वो बुद्ध भी कह रहे हैं और कृष्ण भी कह रहे हैं, दोनों कह रहे हैं प्रतीति समुत्पाद। जहाँ देहादि संघात को व्यामोह पैदा हो रहे हो वहाँ प्रतीति समुत्पादात्मक है, आयो न ख्याल में। पश्यत्यकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति, वही बात बुद्ध कह रहे हैं, वही बात कृष्ण कह रहे हैं। तो वो सारे पर वो सारे जो मॉडल हैं, मॉडलिटी है कार्य कारण भाव की, वो वाक्य जैसे सर्वा लीला पुष्टि लीलायाम प्रविशन्ति, ऐसे सर्वे कार्य कारण नियमा अविकृत परिणामवादे प्रविशन्ति, ऐसे जितनी भी शक्ति हैं उन सब की समष्टि सर्वभवन सामर्थ्य है। यह बात को मत भूलियो, जितनी भी शक्तियां प्रकट भई हैं वाकु सर्वभवन सामर्थ्य करने पे यद्वै किंचन अनुक्तम तस्य सर्वस्य ब्रह्मेत्येकता। सर्वभवन सामर्थ्य कहते ही सब चीज को समष्टि आ गई, वो सामर्थ्य के इलस्ट्रेशन ये सब शक्तियां उपलक्षण विधि से, ऐसी अनंत शक्तियां ब्रह्म में सर्वभवन सामर्थ्य की। पर ये एक एस्पेक्ट है, एक दूसरा एस्पेक्ट और है, वो मैं या बात ध्यान में लिगाना चाह रहा हूं भागवत के अनुसार कि आनंद मात्रम अविकारम अनन्यद अन्यत, वो अन्यत भी है और अनन्य भी है। तननन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य वा न्यायसु विश्वस्य हेतु हृदय स्थिति संयमानम, विश्व को हेतु है क्यों कि उदय स्थिति और संयम ये थोड़ा भाषा की मिठास पे ध्यान दो, संहार नहीं कह रही है भागवत, संयम कह रही है। वाने हंता ममा तिस्रो देवता नाम रूपे न व्याकरणी, अपने आत्मरति को असंयत वाने विस्तार कियो, व्याकरवाणी कहो वाकु संयत करे पाछो। तो विश्व से हेतु हृदय स्थिति संयमानाम, अब या के बाद क्रूशियल पॉइंट भागवत कह रही है आत्मा स्वरश्च, वो या की आत्मा भी है और वो या को ईश्वर भी है। मने तद आत्मानम उपादान स्वयं अकुरुत कर्ता, वो जो मॉडल वहां है अभिन्न निमित्त पादान को ऐसे पालन में तद आत्मानम और ईश्वरश्च, वहां जो संयत हो रहे है वो खुद है और जो संयामक है वो भी वो खुद है। आत्मा आत्मेश्वरश्च तदपेक्ष तया न पेक्ष, या सारे काम को प्रकट करने में उनकी अपेक्षा से वो अनपेक्ष है। क्यों अनपेक्ष है वह को कारण समझो, क्योंकि वो अपने एंगल से तो अपने आत्मरति को विस्तार कर रहे हैं, पर अपने एंगल से अपने को यूं लग रहे हो कि वाकु मेरी अपेक्षा है। एक सीधी सी बात बताऊं कि भगवान आत्मतृप्त है, भक्त की अपेक्षा से भक्त को ऐसे लग रहे हो कि भाई भोग धरना जरूरत है, भोग नहीं धरेंगे तो लफड़ा होएगा। वो कौन से एक्सटेंट तक, नहीं नहीं मैंने शनि को तेल नहीं चढ़ाओ तो साढ़े साथी छूटे नहीं, वह एक्सटेंट तक तेल चढ़ाओ तो साढ़े साथी छूटे, दे दान छूटे ग्रहण,
दान नहीं दियो तो ग्रहण छूटेगा ही नहीं, भले आकाश में छूट जाए पर दिमाग में से ग्रहण नहीं छूटेगा। तो वह हद तक वाकी अपेक्षा अपने को लग रही है तो तदपेक्षा तया अनपेक्षा, अपने को याद तरह की वहां में अपेक्षा का भाव जग रहे हो पर वो याद तरीके की अपेक्षा का भाव वहां में नहीं है, क्योंकि वाकु ये बात अच्छी तरह से खबर है ये तो मेरो ही प्रोडक्ट है ना, तो अपेक्षा से वो नहीं कर रहे हो, वो या को प्रोड्यूस कर रहे हो आनंद के कारण है ना। ख्याल जैसे स्टेज पे सीता के अपहरण पे राम शोक प्रकट कर रहे हैं, अब यदि वो लौकिक पुरुष होए तो जैसे एक पति पत्नी के अपहरण पर शोक प्रकट करे वह तरह के आंसू बहाएगो, पर यदि रामलीला है तो पत्नी की अपेक्षा से शोक नहीं बहा रहे हो, वो लीला के आंसू बहा रहे है। और यह पॉइंट को महाप्रभु जी ने रास पंचाध्याय में हाइप करके बताया है कि जब सीता के लिए तुम रो सकते हो तो गोपीजनन को भी ऐसी अपेक्षा थी कि हम भी छुप जाएं भले कोई हर नहीं जाते है और एकाध बखत रो तो देखें तुमको, तो महाप्रभु जी कहें कहा रामलीला में वाह बखत मुंह ढतो भगवान को ऐसो कि सीता के अपहरण पर थोड़ी देर रोवें और हर वृक्ष से पूछें कि सीता कहाँ है, पर अभी भगवान को मूड वैसा नहीं होने के कारण भगवान ने कही कि लो मैं छुप जाऊं तुम रोते रहो पूछते रहो वृक्ष से, तो सब गोपी जन वृक्ष से पूछती रही कि कृष्ण कहाँ है क्योंकि अभी मूड नहीं है वो, तो वहां ये नहीं है कि वाकू रोनो नहीं आवे, यदि वाकू मूड है रोने को तो सीता को अपहरण करा के रोवे की लीला कर सके, या को मूड नहीं है रोने को तो खुद अपने आत्मे छया से तिरोहित होके तब अंतर दधे भगवान और वो रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा गोपियां रोने लग गई, वह तरसु जब रुलाना चाह रहे हो तो खुद वाकू अंतर ध्यान होना भी आना आवे, और जब वाकू ऐसा रोने की इच्छा हो रही है लीलाया तो वाकू अंतर ध्यान करनो भी आवे है सीता को, या बात को भूलना नहीं, तो वह आत्मा भी है या लीला में और ईश्वर भी है, ब्रह्मतया वो आत्मा है और अंतर्यामितया वो ईश्वर को काम भी कर रहे हैं। ऐसे ही ब्रह्मत सर्वभवन सामर्थ्य जो है वो सारे शक्ति की आत्मा है और इच्छा शक्ति वाकी ईश्वर है, वहां भी वो दोनों रोल अदा कर रहे हैं। या के लिए महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि इच्छा वो है वो आद्य शक्ति है सर्वनियामिका, वो ईश्वरता प्रकट कर रहे हो ना इच्छा की। वाके लिए कितना सुंदर उपनिषद का यं कामये तंतम उग्रं कृणोमि तम ब्रह्मानं तम ऋषिं तम सुमेधा, इच्छा शक्ति को ऐसा है कि यं कामये तम तम उग्रं करो कृणोमि तम ब्रह्मानं, ब्रह्मा मैं अपनी शक्ति से बनाऊं, शिव मैं अपनी शक्ति से बनाऊं, विष्णु मैं अपनी शक्ति से बनाऊं, तो वहां वाको अंतर्यामीपन काम कर रहे हो, ईश्वर ऐश्वर्य काम कर रहे हो और खुद ही आत्मभावापन हो रहे हो है। तो जैसे सृष्टि में आत्मभावापन हो के ईश्वर भावापन भी है, अब ध्यान से समझो कि यदि आत्मा है तो ईश्वर नहीं है और ईश्वर है तो आत्मा नहीं है, पर वो आत्मेश्वरश्च, बहुत गजब को भागवत का ये वचन है कि आत्मेश्वरश्च आत्मेश्वरश्च तदपेक्षतया नपेक्ष, ऐश्वर्य कौन पे चला रहे हो है? दूसरे पे नहीं चला रहे हो है। क्योंकि दूसरे पे जब ऐश्वर्य चलाएगा ना या प्रॉब्लम को अल्बर्ट कामू ने डील कियो नहीं अपने ज्यां पॉल सार्त्र ने जहां पॉल सार्त्र ने या प्रॉब्लम को डील करके कही कि ईश्वर वो मनुष्य को फटकार रहे हैं वहां कि तेरे को होश है कि तेरी सारी सामर्थ्य मैंने दी है मेरे तू विद्रोह कैसे कर सके, और मनुष्य वाके सामने खड़े हो जाए कि अच्छा
मैं ये तो जान रहे हूँ कि तैने मुझको सामर्थ्य दी है, पर अब तेरी दी भई सामर्थ्य को भस्मासुर की सरह में तेरे विरुद्ध प्रयोग कर रहा हूँ, तू क्या कर सके चल बता। और वह ड्रामा में ईश्वर कह के ऐसे ऐसे गिलिंडर आ गए तो मुझको यहाँ में नहीं रहना, भाग जाए ईश्वर क्योंकि तेरी सामर्थ्य को जैसे महादेव जी भागे भस्मासुर को वरदान दे के, ऐसे वह युवा ने जयपाल सार्थक ने ड्रामा में क्रिएट किया, ईश्वर ने वहां को सामर्थ्य दी। और ईश्वर कह रहे हो कि तेरे को होश होना चाहिए कि सामर्थ्य सारी मेरी दी भई है ईश्वर की। वो क्या कहा, वो तेरी गलती है थी, मेरी थोड़ी गलती है, मेरो निश्चय यह है कि वो तेरी दी भई सामर्थ्य को मैं तेरे अगेंस्ट उपयोग कर रहा हूं, चल कर क्या कर रहे हो बता। एट द मोस्ट टू खत्म करेगा ना, मैं खत्म होने तैयार हूं, यदि मैं खत्म होने से नहीं डर रहा हूं तो कह रहे हैं तू तेरी सामर्थ्य को प्रयोग कर, तेरी दी भई सामर्थ्य को मैं तेरे अगेंस्ट प्रयोग कर रहा हूं, अब क्या हो सके चल करके बता। वह ड्रामा में जयपाल सार्थक ईश्वर भाग जाए कि भाई ये तो बहुत खतरनाक सिचुएशन आ गई है, यहां खड़े रहना उचित नहीं है, तो वो आत्मा भी है ईश्वर भी है। पर यह स्थिति कब आवे कि जब ईश्वर कोई और है और तुमको सामर्थ्य दे रहे है, तब यह स्थिति आवे, वो ईश्वर भी है और जापे ऐश्वर्य वाको वो कौन पे है, आत्मा पे, तो वाको आत्मा भाव भी है और ऐश्वर्य भाव भी है, तो खुद को खुद पे। जैसे एक बात देखो ध्यान से देखो कि दूसरों थप्पड़ मारे ना तो ज्यादा चोट आवे, अपने गाल से थप्पड़ मारे ना तो उतनी चोट नहीं आवे, क्योंकि आत्मा भी अपन है और थप्पड़ मारने वाले ईश्वर भी अपन है, मार के देख लो बोले दूसरे की थोड़ी सी भी थप्पड़ होए ना वाकी मानसिक चोट और शारीरिक चोट भी ज्यादा लगती है, और अपने जोर की भी थप्पड़ मारे ना तो समझ आवे कि भाई आत्मा भी मैं हूं थप्पड़ को और ईश्वर भी मैं हूं, तो वहां वो विरोध नहीं पैदा हो रहे है। और सर्वभवन सामर्थ्य ये सारे शक्ति की आत्मा है, और इच्छा शक्ति या कि ईश्वरी शक्ति ईश्वर है, वो जैसे ब्रह्म में शक्तिमान में ये दो मॉडल हैं, वही तरह से शक्ति में भी या तरीके के दो मॉडल हैं, ये बात भूलना नहीं चाहिए। तदपेक्षा तया न अपेक्षा वाकु, दूसरे के ऐश्वर्य सु अपनो ऐश्वर्य नहीं सिद्ध करना है, आत्मैश्वर्य सु आत्मनात्मानम सृजसी पासी हंति च, त्रायते त्राति विश्वात्मा रियते हरतीश्वर सृजते सृजते प्रभो। महाप्रभु जी कहें अयमेव ब्रह्मवाद शिष्टम मोहाय कल्पित, सृजते सृजति प्रभो, त्रायते त्राति विश्वात्मा रियते हरति प्रभो, तो वो मार रहे है खुद को, मर रहे है खुद, पैदा कर रहे है खुद को, पैदा कर रहे है खुद, पालन कर रहे हो खुद को, पालन करता भी खुद ही है। वाको ऐश्वर्य और उपादान, या श्लोक में भी बात ध्यान से समझो कि उपादानता और ऐश्वर्य प्रभु प्रकट कर रहे हैं, त्रायते त्राति विश्वात्मा आत्मैश्वर्य प्रकट कर रहे हो, सृज्यते उपादानता सृजति ऐश्वर्य प्रकट कर रहे हो, रियते उपादेयता हरति ऐश्वर्य प्रकट कर रहे हो। तो हर वक्त ये आत्मा और ऐश्वर्य को कंपाउंडेड मॉडल है, ये जो अपन नहीं रहस्य समझे तो ब्रह्मवाद की चाबी अपने हाथ में नहीं आई, चाबी यहां है ब्रह्मवाद की कि जासु ब्रह्मवाद को ताला खोले है, तो वो माया के लेवल पे भी मेंटेन किया है, शक्ति के लेवल पे भी मेंटेन किया है और शक्तिमान के लेवल पे भी मेंटेन किया है, ये अपने को समझना चाहिए। मको ये हतो एंटिसिपेट के ये प्रॉब्लम या मैं शक्ति के कारण रेज होगी, मैंने कि या मैं ब्रह्मा अपने को समझ लेना चाहिए कि कौन से मॉडलिटी से काम कर रहे हैं।